Good morning, dear friends, and praise the Lord for this brand new day. सुप्रभात मेरे मित्रों और इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. Remember, we are meditating on the triumph of the cross. और याद रखिए कि हम मनन कर रहे हैं ये उस क्रूस के जयवंत या विजय के ऊपर. And we have in our previous meditations we discovered how man who was created perfect and put in a very perfect place have been defeated by Satan. और देखिए कैसे हमारे पिछले मनों में हमने देखा कि परमेश्वर ने मानव को बड़ी सिद्ध रूप से बनाया लेकिन शैतान ने उसे हरा दिया. Satan's desire is for all mankind, every member in the human race also become a rebel against God. Just like Satan himself is a rebel. और याद रखिए कि शैतान का उद्देश्य इतना ही है कि पूरा मानव जाति को परमेश्वर के विरुद्ध कर दे जैसे वे खुद परमेश्वर का विद्रोही. Then we found. और जब हमने देखा. That the Son of God came that he may destroy the works of the devil. और तब हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का पुत्र आया कि वो शैतान के कार्यों का नाश कर सके. Bringing hope of a salvation and deliverance. In the person of Jesus Christ for us. और उस उद्धार और स्वतंत्रता की आशा को लेकर वो हमारे समीप आ गया. And we found in our last meditation how Jesus came and dealt with all kinds of demon powers and sicknesses and set people free. और हमें देखा कैसे वो शैतान आया और क्षमा करिए यीशु मसीह आया और कैसे हर प्रकार की दुष्टात्मा ग्रस्त रोगों से ग्रस्त पापों से ग्रस्त हर प्रकार के लोगों को उसने चंगा किया. इवन द डेविल इवन ऑफर्ड टू जीसस द होल वर्ल्ड. और यहाँ तक कि शैतान ने तो पूरा संसार यीशु को देने के लिए न्योता दिया. But the condition was he should bow before Satan. लेकिन शर्त ये थे कि पर यीशु उसके सम्मुख दंडवत होकर उसकी आराधना करे. Now Jesus did not come to gain the world in that way. लेकिन यीशु इसलिए नहीं आया कि वो संसार को इस रीति से पाए. So he refused. और इसलिए उसने तिरस्कार किया, मना कर दिया. And so Jesus took the way of the cross. और इसलिए यीशु ने उस क्रूस के मार्ग को लिया. And Jesus first dealt with demon possessed people, set them free. और यीशु ने पहले वो दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों के संग उन्हें आजाद किया. And met all kinds of sicknesses and healed the people. और हर प्रकार के रोगियों बीमारियों को चंगा किया. And set the people free from sin and evil. और लोगों को बुराइयों और उनके पापों से आजाद किया. He came to fight that battle. और वो आया कि वो इस लड़ाई को लड़ने पाए. And set men and women free from sin's bondage. और वो मानव को उस पाप के बोझ से आजाद करे. And then look at Jesus in the Garden of Gethsemane. और उसके पश्चात अब यीशु को देखिए उस गतसमनी के बगीचे में. He is sweating great drops of blood. और वो किस रीति से उसे वो पसीना उसकी देह से बह रहा है. He is in agony. और वो किस प्रकार की पीड़ा में है. And he is struggling. और वो कैसे समस्या में है. The struggle culminates on the cross. और इस पीड़ा का जो अंत होता है ये उस क्रूस पर है. And the devil attacking all the time. और हर प्रकार से आक्रमण कर रहा है शैतान यीशु के ऊपर. Our Lord Jesus Christ came into the world. और हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया. To set us all free from the devil's power and influence. ताकि वो हमें शैतान के हर प्रकार के प्रभाव से आजाद करने पाए. And it was on the cross. और ये तो उस क्रूस पर था. That he did it. और उसने ऐसा ही किया. Supremely and finally. हर एक रीति से और पूर्ण रीति से वो समाप्त कर दिया. In the Gospel according to Saint John. और यहूना रचित सुसमाचार. Chapter 12 verses 31 to 33. और 12वां अध्याय 31वें वचन से लेकर 33वें वचन तक. Jesus talking about. Let us look into that passage. आइए हम उस वचन की ओर देखें. 12:31-33. यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 31वां वचन से लेकर के 33 वचन तक. It begin with say, now is the judgment of this world. और वो शुरुआत करते हैं ऐसे कहते हुए, अब इस संसार का न्याय होता है. Now will the ruler of this world be cast out. अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा. And if I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा. And the judgment of the world
this passage talks about the judgment of the world and the defeat of Satan. और ये वचन का भाग बात करता है संसार के न्याय के विषय में और शैतान की हार के विषय में. Today, और आज के दिन, can you know to see the devil behind men? क्या आप शैतान को मानव की बातों के पीछे नहीं देखते? What wrong did Jesus do? क्या गलती यीशु ने करी थी? Did he do any harm to anyone? क्या उसने किसी को किसी भी रीति से किसी भी समय कष्ट पहुंचाया? What was wrong with his teaching? उसकी शिक्षाओं में क्या गलती थी? What was wrong with his miracles? उसके चमत्कारों में क्या गलत What था? Was wrong with his acts of kindness? और उसके नम्रता के कार्यों में क्या गलत था? He taught amazing truth. और उसने अद्भुत सच्चाई और सत्य के विषय में सिखाया. He went everywhere doing good. और वो हर स्थान पर गया अच्छी बातों को करते हुए. He delivered mankind from demonic powers. और उसने मानवता को दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से बचाया. Yet, लेकिन look at the reception he got. देखिए किस प्रकार से लोगों ने उसे स्वागत किया. There was these Pharisees and scribes and elders and priests. वो फरीसी, वो असीन, वो स्क्राइब जो वहाँ पर थे. Look at their bitterness. उनकी कड़वाहट को यीशु के प्रति आप देखिए. And hatred. उनका वो घृणा. And their scorn. Their blasphemy. और कैसे वो गलत बातों को और उन गालियों को यीशु के लिए बोलते हैं. Look at the Roman governor. और देखिए वो रोमियो का जो सरदार था. Pilate. वो पिलातुस. The king Herod. वो राजा हेरोद. The Jews and the crowd. और वो भीड़ और यहूदी. What were they all crying? और वो सारे क्या चिल्ला रहे थे? Crucify him. इसे क्रूस पर चढ़ाओ. Crucify him. इसे क्रूस पर चढ़ाओ. Was their cry? ये उनकी पुकार थी. Why all these feelings? What's wrong? ऐसी भावनाएं क्यों? क्या गलत था? Today, आज के दिन, men still object. मानव या मनुष्य अभी भी उंगली उठाता है. Can you produce one reason for all the hatred towards Christianity? क्या आप एक कारण बता सकते हैं मसीहत के प्रति उस कड़वाहट या शत्रुता को रखने के विषय में? One valid reason. एक कोई भी सही का कारण. What is wrong with the gospel? क्या सुसमाचार में क्या गलत What है? What is wrong with the teaching? और शिक्षाओं में क्या गलत है? Of teaching of Christianity which brought light. मसीहत की शिक्षाओं में क्या गलत है जो कि ज्योति को लेकर इस देश में आया? What is their objection? उनका विरोध किस लिए है? This is the most extraordinary thing. ये तो सबसे अच्छी और बढ़ चढ़ के बात है. No one can find a single wrong in Christ or Christianity. और इसलिए कोई भी ही मसीह में और मसीहत में किसी भी प्रकार की गलती को नहीं पाता. Only good things. सिर्फ भलाई की बातें. Who started all the orphanages? किन्होंने सारी अनाथालयों की शुरुआत करी? Who originated all the charity work? किसने सारे चैरिटी या अच्छे काम भले कामों को the करने की शुरुआत? और वो हॉस्पिटल अस्पताल? Or any civilization? या किसी भी समाज की स्थापना से? Everything. हर एक बात. Whether it is transportation. चाहे वो यातायात हो. Or health. और या वो स्वास्थ्य. Education. शिक्षा हो. Charity work, चाहे वो भले काम हो, everything has its origin in Christianity. हर एक बात की शुरुआत मसीहत से. The whole world enjoys the blessings of Christianity. और पूरा विश्व भर मसीहत की आशीषों का आशीष को ग्रहण करता है. Yet look at the persecution. लेकिन फिर भी देखिए उस सताव और घृणा को. All over the world. पूरे विश्व भर में. In the last one, in the last. One or two years. और पिछले एक या दो सालों में. Even in India. भारत में भी. Unnecessarily persecution. अनावश्यक सताव. Jesus came. यीशु आया. He taught. उसने शिक्षा दी. He healed. उसने चंगा किया. He forgave. उसने क्षमा किया. He delivered. उसने छुटकारा दिया. And raised the dead. और मरे हुओं को जिलाया. Cleansed the lepers. और जो कोढ़ी थे उन्हें शुद्ध किया. Cast out demons. और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला. Fed the people. और भूखों को खाना खिलाया. Calmed the storm. और तूफानों को रोका. At the end, He gave himself to be crucified. और अंत में उसने खुद को दे दिया कि वो क्रूस पर चढ़ा दिया जाए. For whom? किसके लिए? Not for himself. अपने लिए नहीं. For mankind. लेकिन मानवता के लिए. Would you hate
a man like this? क्या आप एक ऐसे मनुष्य से घृणा करेंगे? A man who has done no wrong to anyone? क्या एक ऐसा मनुष्य जिसने किसी भी दूसरे मनुष्य के प्रति कभी कुछ गलत नहीं किया? A man always going about doing good? और एक ऐसा मनुष्य जो हर के लिए अच्छा करते हुए आगे बढ़ रहा है? What is the explanation? इस बात का क्या आप वर्णन करेंगे? The devil fighting God. और ये है शैतान जो परमेश्वर से लड़ रहा है. And the cross. और ये क्रूस became the greatest manifestation of God's mightiest power that can overcome any demonic devilish power. और ये क्रूस बन गया वो सबसे शक्तिशाली और सामर्थी शस्त्र जिसके द्वारा किसी भी दुष्ट आत्मा शैतान की किसी भी चाल या उसकी किसी भी बुराई के विरुद्ध हम लड़ सकते हैं. Let me close this by reading our text one more time. और इस बात को मैं आज के मनन को समाप्त करूंगा हमारे वचन को एक बार फिर से पढ़ने के द्वारा. Colossians chapter 2. कुलूसियों की पत्री दूसरा अध्याय 13वें वचन से लेकर. It is by the cross. ये तो इस क्रूस के द्वारा ही है. The problem of sin is taken care of. ये जो पाप की समस्या है उसे दूर कर दिया गया. Colossians chapter 2 verses 13 to 15. कुलूसियों की पत्री दूसरा अध्याय 13वें वचन से लेकर. Bearing with one another. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with him, having forgiven us all our trespasses. By cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands, this he set aside, nailing it to the cross. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी. That's why Apostle Paul said in Galatians chapter 6 verse 14. और इसी बात को पौलुस प्रेरित गलातियों की पत्री उसका छठा अध्याय और 14वें वचन में कहता है. I boast only in the cross of our Lord Jesus Christ. कि मैं इसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर अपने घमंड को रखता हूँ. Why? क्यों? It is by the cross. क्योंकि ये क्रूस के द्वारा ही है. The victory over Satan has been accomplished. जे शैतान के ऊपर हमने विजय को पाया. My friends, मेरे मित्रों, are you struggling with sin and demon powers and devilish activities? क्या आप पाप की समस्याओं से शैतान की किसी गतिविधि से या परिस्थितियों से होकर के निकल रहे हैं? There is hope for you. आपके लिए आशा है. Jesus Christ. यीशु मसीह. Take him into your heart. उसे अपने हृदय में ले लें. Let him rule over you. होने दे वो आपके जीवन पर राज्य करे. Keep him, invite him to come into your heart. होने दे आप उसे न्योता दे कि वो आपके हृदय में आए. And let him be the Lord of your life. और होने दे वो आपके जीवन का स्वामी और प्रभु बने. His cross. उसके क्रूस के द्वारा. He defeated Satan. उसने शैतान को हरा दिया. Forever. हमेशा के लिए. And those who have Jesus. और जिनके पास यीशु है. There is always victory. उनके पास हमेशा विजय है. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. For blessing your people. अपने लोगों को आशीषित करें. Let this message bring thousands of people to the cross. होने दे ये संदेश हजारों लोगों को तेरे क्रूस की ओर ले आए. Thank you. धन्यवाद. Bless your people. अपने लोगों को आशीषित करें. Jesus name. यीशु के नाम. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Have a good day and a victorious day. एक जयवंत और भला दिन आपका बीते.